हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक ऐसा खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट जिसको हम कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं जुलाई के महीने में, और सालों साल परमानेंट हमारे गार्डन में ये बना भी रहता है। जुलाई के महीने में हम किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हमारे गार्डन में हो जाती है और देखने आसानी से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम भी हमारे प्लांट्स को नहीं आती है अगर हम कटिंग लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम किस पौधे की कटिंग को किस तरीके से लगा सकते हैं और क्या क्या किन किन बातों का हमें फ़िलहाल ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारी जो कटिंग होती है पौधे की वो 100% सक्सेस हो जाए, फैल बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक खूबसूरत से लीव्स वाले लाल सा प्लांट की। ये लाल सा प्लांट होता है और इसको हम जो है कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग आप इसकी लेकर कितनी ही एक पोट में ग्रो कर दें, सारी की सारी बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाएंगी। कोई झंझट भी हमें इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें जो है लेनी होगी छोटी छोटी सी यहाँ से कटिंग। हम अगर किसी भी पौधे की कटिंग को ग्रो करते हैं, अगर हम उसकी डिप कटिंग लेकर कटिंग उसकी लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो होती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती है ग्रो करने में। तो हम यहाँ पर जो है प्लांट की डिप कटिंग को ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर। तो मैं यहाँ से 3 से 4 इंच की कटिंग कुछ ले लूँगी। सभी यहाँ पर कटिंग काफ़ी ले लेते हैं, 1-2 कटिंग भी हम ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले ली है इनकी कुछ कटिंग, ये बिल्कुल डिप कटिंग ऊपर की साइड से ही मैंने ली है। इन कटिंग को अगर हम ग्रो करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये हमारे गार्डन में ग्रो हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, डिप कटिंग लेने के बाद अब हमें रखना होता है इस बात का ध्यान कि जब भी हम कटिंग लगाएं इनकी सारी लीव्स नीचे की हमें निकालनी होती है, जिससे कि हमारी कटिंग जो है सारी एनर्जी हमारे प्लांट की कटिंग को ही मिले, ना कि लीव्स को जो सूखने लगती हैं। तो आप इस तरीके से सारी जो लीव्स होती हैं कटिंग की वो निकाल दें। तो फ्रेंड्स, कटिंग मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है लगाने के लिए, जो मुझे मिट्टी में ग्रो करनी है। तो इस तरीके से हमारी कुछ कटिंग की कंडीशन हो जाएगी जब हम कटिंग को ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कटिंग को ग्रो करने की ओर। ग्रो करने के लिए हमें चाहिएगा एक पोट, पोट के अंदर हमें चाहिए गार्डन मिक्स, यहाँ पर मिट्टी जिसमें हमारा जो है गार्डन सोइल मिला रहता है और खाद वगैरह भी सब कुछ इसमें कंप्लीट रहता है। तो ये मेरा पुराना गार्डन सोइल है जो मैंने पुणे पोट के अंदर भरकर रखा हुआ है। तो इसी के अंदर मैं जो हूँ अपनी कटिंग को ग्रो करूँगी, यहाँ पर जो मैंने ली हुई है। अगर हम पुरानी जो हमारे यहाँ पर मिट्टी होती है तो उसमें हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो यहाँ पर कटिंग ग्रो करने के लिए ये वाला नोतेरा जो होता है, तो इसको हमें मिट्टी के अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे प्लांट की जो जड़ें निकलती हैं यहीं से निकलती हैं। तो अब हम लगा देंगे अपनी दूसरी कटिंग। दूसरी कटिंग को भी मैं यहाँ से 2 इंच मिट्टी के अंदर कम से भी कम लगा दूँगी, जिससे कि हमारी कटिंग बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी कटिंग लगा दी है, मैंने जो ली थी, और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएंगी। एक भी कटिंग इसकी फैल बिल्कुल भी नहीं होती है। 6 से 7 दिन में 8 दिन में ये अपनी जड़ें बिल्कुल बनाने लगते हैं और बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट भी लगते हैं। लाल सा प्लांट की कटिंग ग्रो करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दी है इनकी कटिंग, तो इसकी कटिंग ग्रो करने के बाद हल्का सा आप इसमें पानी देकर इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो इसकी स्थिति पर। और फिर तो जैसे ही हम पौधे की कटिंग को लगाकर छोड़ देते हैं, तो कटिंग लगाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्लांट के ऊपर। जैसे ही हम पानी देते हैं, इसमें हल्का पानी दें, ज़्यादा पानी आप बिल्कुल भी ना दें। अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग कर दोगे आप किसी भी पौधे की कटिंग में, तो वो प्रॉब्लम में प्लांट आ जाएगा, वो कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। तो आप पानी का ध्यान रखें। जैसे ही कटिंग आप लगा देते हो, इसको थोड़ा सा शेड एरिया दें, ज़्यादा आप डायरेक्ट धूप के अंदर भी बिल्कुल इसको ना रखें, क्योंकि धूप में ये मुरझा जाते हैं। कटिंग आप जब भी लगाते हो, छोटे पोट में लगाए या आप बड़े पोट में लगाए जिसमें पहले से ही एक प्लांट लगा हुआ हो जो अच्छे से चल रहा हो, तो दोनों जगह पर आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगी। छोटे पोट के अंदर एक्स्ट्रा वोटिंग नहीं हो पाती, बड़े पोट में जो आपका प्लांट पहले से ही लगा हुआ है तो उसमें भी एक्स्ट्रा वोटरिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो आप जब भी कटिंग लगाए, छोटे पोट में या आप बड़े पोट में लगाए जहाँ पर पहले से ही प्लांट आपका लगा हुआ हो,
और लाल सा प्लांट जो होता है इसको हम धूप में भी रख सकते हैं, डायरेक्ट और छांव में भी रख सकते हैं, जहाँ पर शेड एरिया हो वहाँ पर भी रख सकते हैं। दोनों जगह बहुत अच्छे से ये चल जाता है, बहुत ही ईजिली ये हमारे गार्डन में बना रहता है। तो आप इस पौधे को जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर इसको रख सकते हो। इस पौधे की जो है हम एक टोपियारी भी बना सकते हैं, इसकी कटिंग करते रहें। जैसे ही आपका पौधा छोटा होता है तो उसको जिस आकार में आप ढालोगे तो उसी आकार में हमारा प्लांट हो जाता है। तो आप इसको अगर बढ़कर इसकी कुछ DIY बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकता है, आसानी से हम बना सकते हैं। और अगर आप इसको जो है छोटा ही प्लांट हो और उसकी टोपियारी बनाना चाहते हो तो बहुत ही खूबसूरत इसकी टोपियारी भी लगती है, तो आप इसको टोपियारी के रूप में भी एक लुक दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी लाल सा प्लांट की थोड़ी सी देखरेख और कटिंग कैसे हम इसकी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इसकी कटिंग को ग्रो करना। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।